हेलो नमस्ते निहाओ फ्रेंड्स, आज हम तीनों जा रहे हैं आइकिया, जो कि ग्वांगझो चाइना वाला आइकिया है। वैसे तो ये वीडियो मुझे बनाना ही था क्योंकि हम आइकिया बहुत जाते हैं कई बार फर्नीचर खरीदने के लिए, अपना रूटीन से कुछ अलग करने के लिए या फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। लेकिन इसका एक और रीज़न भी है आज बनाने का। आपको तो पता ही होगा कि चाइना की बहुत सारी कंपनीज़ दुनिया भर में बिजनेस करती है, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी भी है जो चाइना में बहुत अपना मार्केट कैप्चर कर चुकी है। उनमें से आइकिया स्वीडन की एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है जो चाइना में 30 स्टोर्स खोल चुकी है। इंडिया में भी आइकिया ने एक स्टोर खोल लिया है हैदराबाद में, और फ्यूचर प्लान है बहुत सारे स्टोर्स खोलने का। तो अगर आप हमारे साथ आज चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आइकिया क्यों इतना पॉपुलर है चाइना में, इतना बिजनेस कैसे इसने बढ़ा लिया है चाइना जैसी जगह पे। ये लो आ गई हमारी आइकिया द फर्नीचर मॉल। तो अंदर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर छोड़ के जाइए और कॉमेंट भी कर दीजिए टाइम है तो। ये यूज होता है लंबी कतार के टाइम, ये हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर चेक और फेस रिकॉग्निशन, आई थिंक सो। फ्रेंड्स, हम हैं आइकिया में और आज ये बिल्कुल खाली है क्योंकि पता नहीं आज वीकेंड नहीं है इसलिए शायद। लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पे ना पहले महीने में एक बार तो आते जाते थे, कई बार हफ्ते में एक बार आते थे। तो हम यहाँ आते ही सबसे पहले आइसक्रीम खाते हैं यहाँ की। 10 रुपये में कहीं और मिलेगी आपको आइसक्रीम? अब नो प्लीज। यहाँ पे ये सिस्टम है, आप फ़ोन से स्कैन करके ऑर्डर कर सकते हो, आप पे भी कर सकते हो और आपका बिल भी निकल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे एक डिवाइस रखी हुई है तो बस यहीं पे सब कुछ करना है आपको, वहाँ पे काउंटर पे जाके बिल दे देना है बाद में। तो आइकिया में ना घुसते ही आपको सारा फर्नीचर दिखेगा शो पे। घुसते ही जो सबसे अच्छा ऑफर चल रहा है ना वो हर जगह आपको रखा हुआ मिल जाएगा, जैसे बेड वगैरह। तो ये है आइकिया का फर्स्ट फ्लोर। घुसते ही ये खुशबूदार फूल, सूखे हुए फूल घर में रखने के लिए। तो बेसिकली क्योंकि अभी चाइना में मोस्टली अपार्टमेंट्स हैं सिटीज़ में, तो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं एक दो रूम वाले, तो आइकिया ने ये जो फॉर्मेट बनाया है यहाँ पे चाइनीज़ लोगों के लिए कस्टमाइज़ करके रूम्स के हिसाब से फर्नीचर बनाया है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो। अब ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, इसमें सारा फर्नीचर ऐसे ही है छोटे साइज़ के रूम्स के हिसाब से, एग्जैक्टली जैसे यहाँ अपार्टमेंट्स होते हैं। ये देखो आप, और आप लोग इसमें बैठ सकते हो, यानी आपको आइडिया मिल जाएगा आप सेम चीज़ें खरीदोगे तो आपका घर कैसा दिखने वाला है। अब इसमें कारपेट से लेके ग्लास, लैम्प, टीवी को छोड़ के खैर सब कुछ जो भी इस रूम में है वो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। और देखिए आप वैसे कितने रूम्स हैं, और यहाँ पे आप आराम कर सकते हो, चाहे तो पूरा दिन बैठ सकते हो, लोग यहाँ सो जाते हैं। ये देखो ये एक रूम का है, ऐसे कितने ही रूम्स है। ये देखो आप, सोफ़ा के पास में डाइनिंग टेबल जैसे हमारे घर में है ना वैसा। तो ये देखो यहाँ पे ओडिन और
इवान आराम फरमा रहे हैं। और हमने अपना सोफ़ा यहीं से लिया था। हमारे घर में आधी चीज़ें आइकिया की ही है, अलमारी, बेड, सब कुछ, यानी लगभग सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये होम अप्लायंसेस को छोड़ के सब कुछ आइकिया से ही है। तो यानी आइकिया को ऐसा बनाया हुआ है जैसे आपको एकदम रिलैक्स फील करे, कभी निकलने का मन ही नहीं करे यहाँ से। अगर लोगों को यहाँ पे एकदम रिलैक्स हो जाता है तो ऐसा लगता है अरे हम घर को भी आइकिया जैसे ही बनाएंगे, हम यहीं से सामान लेके जाएंगे, हमारा घर भी इतना रिलैक्स्ड हो जाएगा, है ना, इस टाइप का इन्होंने रखा है। और मैं आपको बताऊँ, सारी चीज़ें आइकिया में काफ़ी सस्ती है। इनफैक्ट चाइनीज़ लोकल प्रोडक्ट्स उनसे भी सस्ते आइकिया के फर्नीचर हैं। तो वो इसलिए क्योंकि चाइना का लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, चाइना में बहुत महंगाई बढ़ गई है कंपेयर टू पहले, और आइकिया जो कंपनी है वो दुनिया भर से सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स लेती है, इसलिए चाइनीज़ प्राइसेस से भी कम दाम है यहाँ पे आइकिया के। और इसलिए यहाँ पे 30 स्टोर हैं पूरे चाइना में, ग्वांगझो में 2 स्टोर हैं और बहुत चलते हैं, पूरा भरा रहता है वीकेंड में, किसी भी ओकेजन पे ना बहुत सारे लोग होते हैं, खड़े होने की जगह नहीं होती। बबू, do you like this? बबू नो, कम कम तुमको, क्या करना है, तुमको पसंद आया ये सोफा? अब मैं आपको प्राइसेस दिखाती हूँ। पूरा मिरर का ये 4,000 रुपये समझ लो आप। ये फोटो फ्रेम्स वगैरह, अच्छा मुझे ये अच्छा लगा एक्चुअली, शायद मैं एक लेके जाऊँ। नहीं, फर्नीचर चाइना से ज़्यादा सस्ता है, बट ये सब चीज़ें हैं ना, जैसे ग्लास के आइटम हो गए और जैसे ये लैम्प हो गया, ये सब चाइना से सस्ता नहीं है। ये तो चाइनीज़ लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ते हैं। ये देखो आप 2,000 का, अगर आप लोकल मार्केट से लो तो 1,000-1,200 में मिल जाएगा। इवान को मिल गया अपना खेलने का। पहले जब इसके पास ये था ना तब तो खेलता नहीं था, अभी आइकिया में इसको पसंद आ रहा है जब हमने फेंक दिया ये। देखो ये 600 रुपये का है, ये 700 रुपये का है, और ये जो रैक है ना ये 1,700 रुपये मान लो इसको। ये देखो इसमें ना ये दो लगे हुए हैं, पिलो 600 का है और उसका कवर 400 रुपये का है। अब हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें देखने की, आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती चाह के भी। यहाँ पे एक एक चीज़ है ना, अब मुझे पता नहीं आप में से कितनों को फर्नीचर में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे तो बहुत है। मुझे ये बहुत पसंद थी, ये मेरी फेवरेट, मेरी और ओडिन की। ये देखो 1,500 रुपये में, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, लेंगे एक दिन, देखते हैं। इस टाइप के मुझे बहुत पसंद है सोफे, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई। नाइस, ये कितने का है? ये है 400 रुपये का एक, नॉट चीप। ओडिन तो आगे निकल गया, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना था, किचन, छोटे घर के लिए किचन। आप छोटे साइज का किचन कैसे बना सकते हो? तो फर्नीचर बेचने के साथ साथ ये आइकिया वाले आपको आइडिया देते हैं कि आप, ओ ये देखो हमारे घर में सारे कप्स भी आइकिया से ही, तो ये आइडिया देते हैं आप छोटे किचन को कैसे सुंदर बना सकते हो, कैसे कॉम्पैक्ट और फंक्शनल बना सकते हो। देखो ये
ये देखो आप छोटे से छोटे साइज का बेडरूम कैसे आप अच्छा बना सकते हो। आइकिया के प्रोडक्ट्स खरीद के ये सब पॉसिबल है। छोटा सा बच्चों का रूम देखो आप, एक बच्चे के लिए स्टडी टेबल, छोटा सा बेड, ये हम शायद फ्यूचर में लेंगे इवान के लिए, और ये अलमारी, खूब सारा स्टोरेज, तो ये सब आइकिया से ख़रीद लो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये जो लगाया है ना पट्टा, ये 240 रुपए का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। पूरे इसके साथ में देखो आप, वैसे अच्छा है, शायद मैं ही ख़रीद लूँ इसको, नॉट बैड। ये पूरा कवर्ड, जो पूरी अलमारी है नीचे से लेके ऊपर तक, सिर्फ 17,000 में। देखो आप, देखो काम वाली वाइब के लिए भी अच्छा है। फ्लावर पॉट्स 600 रुपए का एक, थोड़ा महंगा है। ये कितना सुंदर सा बनाया है गर्ली रूम, ऊपर फूल लटके हुए हैं, यहाँ पे ये वाइट वाइट कलर के फ्रेम्स लगे हुए हैं, और यानी इसका थीम देखो, हर रूम का एक थीम है। ये फ्लावर वाली थीम वाला रूम है, इस थीम के पास में इन्होंने फ्लावर भी लगाए हुए हैं ताकि यू नो मार्केटिंग इनकी। ये ना विंटेज, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा 70s स्टाइल का बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, होमली सा, कोजी सा। एक पूरा डिपार्टमेंट लेदर सोफा का है, देखो आप। ये हमारे लिविंग रूम टेबल का पूरा एरिया, हर वैरायटी की लकड़ी से लेके आपको कंप्रेस वुड में, मेटल वाली, सारी टेबल्स मिल जाएंगी यहाँ पे एक ही साथ, तो चुनने में आसानी है ना। अगर आपको एक ही जगह पे अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाए सारे, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाती है। ओडिन इवान आगे आगे चल रहे हैं। एक सैम्पल ऑफिस वाला रूम, सारी चीज़ें इसमें भी आप खरीद सकते हो। अब देखो किसका मन नहीं ललचाएगा ये एरिया देख के। लास्ट टाइम मैं आई थी, मैंने सोचा था मैं ये ले लूँगी। ये जो कबर्ड है, और देखो इनके कलर्स की चॉइसेस इतनी अच्छी है ना, कि दुनिया में जहाँ पे भी ये लोग बेचते हैं सबको अपील करती है। जैसे ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, शायद मैं ले लूँ, फेक है। ये देखिए आप, पूरा डाइनिंग टेबल वाला एरिया जो भी है यहाँ पे, हर टाइप की, हर साइज़ की डाइनिंग टेबल्स पड़ी हुई है। और मैं आपको एक का प्राइस बताती हूँ। एग्जांपल जैसे ये टेबल है, सिर्फ टेबल 15,000 की है ये, और ये देखो बड़ी वाली टेबल, ये इतनी महंगी नहीं है, 22-23,000 की है, ये बहुत बड़ी है, ये यहाँ पे साइड में लग जाता है ये पट्टा। देखो चॉइसेस की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आ गए तो आपको अपने पसंद का सामान मिलना ही मिलना है, बात ये है कि आप उतना पैसा देना चाहते हो कि नहीं। नहीं तो चॉइसेस सारी अवेलेबल है यहाँ पे ऑलमोस्ट। देखो मैं चेयर का आपको बताती हूँ, ये 2,300 की एक चेयर है, लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपये वाली, 500 रुपये वाली चेयर्स भी है। अब इसके अपने पसंद के गद्दे आप ले सकते हो, अलग से कस्टमाइज़ कर सकते हो, इस चीज़ पे इन्होंने अपनी बिजनेस रखी हुई है। नेक्स्ट एरिया मेरा फेवरेट है किचन, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम छोटे से किचन से लेके एकदम बड़े वाले किचन, सबका यहाँ पे सैम्पल दिया हुआ है, आप कैसे बना सकते हो देखो आप। और इस किचन में जो भी सारी चीज़ें पड़ी हुई है वो सब आप खरीद सकते हो, चॉपस्टिक से लेके बर्तन, आई थिंक ये टोस्टर नहीं खरीद सकते यहाँ पे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, प्लेट्स वगैरह, ये चिमनी तक आप खरीद सकते हो देखो यहाँ से। तो आप एकदम इसका कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी आप घर पे बना सकते हो अगर आप चाहो तो, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ बड़े साइज के किचन है जो मेरे ड्रीम किचन है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो
मेरा ड्रीम किचन कहाँ गया? मेरा ड्रीम किचन मैं जब भी देखती हूँ ना इसको, मुझे इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती है ना, जैसे बस मैं इसको उठा के ले जाऊँ घर पे, अभी का अभी वैसा का वैसा फिट करा दूँ सच में। लाइक मुझे इसका कलर, इसके वाइब सारी इतनी अच्छी लगी। देखो आप, अच्छे खासे बड़े साइज़ का है, बीच में ये टेबल दी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, किचन आइलैंड शायद बोलते हैं इसको। ये क्या है मुझे पता नहीं, शायद ये बैठने के लिए जगह है, आई डोंट नो, पर जो भी है बहुत अच्छा है। इंडियन कारपेट भी लगाया हुआ है देखो यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल। पूरे किचन का दाम कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये देखो 30,000 का ये किचन आइलैंड है, ये जो बीच वाला है ना बड़ा सा, ये 30,000 का है यहाँ पे। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर जो लगा हुआ है ये 3 लाख का। अच्छा एक्चुअली ना ये पूरा जो ये लगा हुआ है ना, ये ऊपर और ये नीचे, ये 3,30,000 का है। तो इट्स ओके, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, यानी जो दूसरी दुकानों पे मिलता है उतना महंगा नहीं है, इट्स वेरी रीजनेबल। और ये मेरी ड्रीम टेबल साथ में किचन के साथ एकदम मैच होती हुई। ये बेड्स वाला एरिया, डबल बेड्स, हमने एक बेड ले चुका है यहाँ से। देखो ये 24,000 में है। आइकिया की खासियत, हर चीज़ स्वीडिश में भी लिखी रही है, जो नाम है ना सारे स्वीडिश में है और ये चाइनीज़ है, लेकिन स्वीडिश नाम हमेशा रहता है। ये अलमारी है ना सारी, ये पूरा अलमारियों का सेक्शन है, जो हमारे बेड के साइड में होती है वो अलमारियाँ। देखो आप, अपार्टमेंट्स के हिसाब से। तो एक ग्रेट बात ये है यहाँ पे, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि देखो आप यहाँ पे ये चॉइसेस हैं, तो आपके रूम के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे ये काट के अलमारी बना के दे देंगे। आप कलर चूज़ कर लो और आप अपना साइज़ बता दो रूम का। इवान के सारे खिलौने यहीं से हैं, जो भी सॉफ्ट वाले हैं, बहुत पहले लेके गए थे तब इसको पता भी नहीं था खिलौने क्या होते हैं। ये देखो अभी एक बेबी से लेके आप 10-15 साल के बच्चे का पूरा सामान मिल जाएगा आपको। ये देखो ये जैसे बच्चों को सामान रखने के लिए, खिलौने रखने के लिए, ये है 2,790 रुपये में। और देख लो आप गैस कर सकते हो कौन सी चीज़ क्या है। और आइकिया में ये जैसे 500 रुपये में सब कुछ, ये सारी चीज़ें 500 रुपये वाली है, 500 रुपये वाला एरिया है ये। यहाँ से हमने इवान का क्रिब ख़रीदा था, एग्जैक्टली ये वाला। तो ये बेबी वाला सेक्शन है एकदम। वाह, आई थिंक हमको ये ले लेना चाहिए, एक ले ही लेते हैं इवान को पानी पीने के लिए। प्राइस ओनली 90 रुपीज़, अनब्रेकेबल है ये। ये देखो कितना बड़ा गेम बच्चों के लिए। यून बब्बू मैं रही हूँ ना,
अच्छा लगा इवान को। वाह क्या बात है, पानी भी पीने लग गया। बब्बू इसमें पानी नहीं है, इवान पानी नहीं है इसमें। इवान को खुला छोड़ दो ना, तो उसके तो मज़े है यहाँ पे, इतना सब कुछ करने के लिए, देखने के लिए है। इवान जब बड़ा हो जाएगा तो उसको ऐसे ही सुंदर सी अलमारी। अच्छा ये लड़कियों की है पिंक कलर की, ये लड़कों की है ब्लू। उसकी एक छोटी सी अलमारी रखेंगे हम, है ना इवान, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो नहीं था इतना अच्छा अच्छा सामान, कितने लकी हो तुम। मुझे लिटरली इतनी भूख लग रही है, सुबह सिर्फ कड़ी चावल थोड़े से खा के आई थी। फर्स्ट फ्लोर पे ही है ये रेस्टोरेंट, देखिए आप। We can go inside. तो आपने जो भी सामान खरीदा है, खरीदने के लिए रखा हुआ है, वो आप यहाँ पे लटका सकते हो। आपको खाने के एरिया में नहीं लेके जाना है सामान बिल्कुल भी, देखो। और यहाँ पे है कैफेटेरिया। देखो आप लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है, कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन है, ये घूम के यहाँ तक जा रही है। चिकन सूप विद कोकोनट, ये नया है, क्या लूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पेट भरना चाहिए। चिकन मशरूम सूप लेती हूँ एक, और एक स्पेगेटी नूडल्स लेती हूँ, ये इवान को पसंद है, ये तो लेना ही पड़ेगा। आइकिया की फेमस मीट बॉल्स से लोग लेते हैं आइकिया में। ये जो है ना ट्रॉली, इसमें सब कुछ रख दिया जाता है तो इजीली, नहीं तो हाथ में अगर लेके जाए, यहाँ से सेल्फ सर्विस है ना, हाथ में लेके जाए तो सब गिर जाएगा, तो इसलिए ये बेस्ट है। ओडिन और इवान गए हैं सीट ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे सीट मिलना हमेशा मुश्किल होता है, हाँ क्योंकि सारी सीट भरी हुई रहती है। वैसे ये ट्रॉली भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी डाइनिंग टेबल और चेयर्स और लाइट्स लगी हुई है वो सब आप खरीद सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, ये फर्स्ट हाफ था वीडियो का, जो फुल वीडियो आइकिया का, और सेकेंड हाफ मैं एक दो दिन में ज़रूर अपलोड कर दूँगी। बस आज के लिए इतना ही, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा ये वीडियो, और आपसे मिलती हूँ दो दिन में। बाय बाय फ्रेंड्स।